कड़ी धूप में एक बूढ़ी औरत को पत्थर तोड़ते देखा। उसके हाथ में हथौड़ा था जो अपने आप में बहुत भारी था। तभी अपने अंदर से एक सवाल आया, क्या हम उस बूढ़ी औरत जितना परिश्रम करते हैं? क्या हम में से कोई करता है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भलीभांति पूरा कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास रोजगार का कोई जरिया हो। इसके अभाव में किसी भी मनुष्य के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संकट उत्पन्न हो जाता है। समाज को सही तरीके से चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि इसके अधिकतर सदस्यों को रोजगार मिले, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति के गलत राह पर चलने की आशंका तो होती ही है, साथ ही देश को उसके नागरिकों के हुनर और कौशल का लाभ नहीं मिल पाता। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बड़ी रुकावट है। भारत में भी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारी होती क्यों है? शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती है। रोजगार के इन्हीं महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी, बाद में जिसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। मनरेगा को 2 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के 18 या 18 साल से बड़े सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन 200 रुपए की न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य के लिए अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। नरेगा में जॉब लेने के लिए पहले 18 साल होना जरूरी है। 18 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति हो जो नरेगा में काम करना चाहता है, उसको पहले जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए बैंक की पासबुक और आधार कार्ड फ़ोटो वगैरह लेके ग्राम पंचायत पे जाना पड़ता है। वहाँ पे उसको जॉब कार्ड के लिए आवेदन करवाया जाता है और उसका जॉब कार्ड बना दिया जाता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत बालिक सदस्य का ब्यौरा और उसकी फ़ोटो शामिल होती है। जॉब कार्ड बनवाने के बाद में उसको एक 6 नंबर फॉर्म होता है जो नरेगा में काम करने के लिए भरना पड़ता है, तो उसको भर के वो दे देते हैं। वो फॉर्म भरने के 15 दिन के अंदर जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा उसको ग्राम पंचायत द्वारा काम पे लगाया जाता है। हमको इस काम का बारे में पता चला था तो हमने ये काम करा है। हम बूझ के आया तो हमारे लिए बताया, हमारे लिए बताया था, ये सरपंच कन गया था, सेक्रेटरी कन गया था कि हम गरीब आदमी, हमारे लिए कोई काम चला दो तो हम काम कर ले, हमारा बच्चन का पालन हो जाता है। तो हम मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, हम गेंती चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर को भी तोड़ते हैं, मट्टी भी खोदते हैं, तो हमारा हाथ दुखते हैं जब भी हम अपना बच्चन का पालन करते हैं। हम यदि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान किसी दुर्घटनावश किसी कामगार की मृत्यु होती है अथवा वह स्थायी अपंगता का शिकार होता है, तो मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को एवं अन्य स्थिति में उसे 25,000 रुपए तक के अनुदान का प्रावधान है। पंजीकरण कराने के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर निर्धारित दर से सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। पंजीकृत व्यक्तियों को समय समय पर रोजगार की जानकारी पंचायत स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। फील्ड पे मॉनिटर करने के लिए हम लोग मैट रखते हैं, क्योंकि हम लोगों का इतना पॉसिबल नहीं होता कि डेली विजिट हो सके और डेली वहाँ लेबर के पास बैठे रहें, तो उसके लिए हम फील्ड में मैट रखते हैं, जिसकी पंचायत समिति स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए सारा बताया जाता है कि किस व्यक्ति को कितना टास्क के अनुरूप कार्य करवाना है। वो मस्ट ऑल में सारी एंट्री करता है कि कौन सा ग्रुप कितने टाइम पर आता है, कितने बजे उस ग्रुप को छोड़ा जा रहा है फील्ड से, कितने उसको टास्क दी गई, कितना उसने मौके पर कार्य किया है, उसके अनुसार डेली वो रेशियो निकालता रहता है मैट। उसके बाद जो फाइनल एवोल्यूशन होता है वो जय नहीं करता है, उसी का मान्य होता है।
और मैट के लिए फ़िलहाल कम से कम 10th स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। जो भी इच्छुक आदमी होता है वो पंचायत समिति पर बोल सकता है कि मुझे मैट का कार्य चाहिए, तो वहाँ पर हम ट्रेनिंग दे देते हैं उनके लिए, उसको उसी ग्राम पंचायत में लगा दिया जाता है। विशिष्ट पहचान संख्या युक्त पहचान कार्ड, जिसे अब आधार नाम दे दिया गया है, की सहायता से इस रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को काफी हद तक समाप्त करने में सहायता मिली है। एक आकलन के अनुसार इस योजना के द्वारा ग्रामीण इलाकों में अब तक रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने में वास्तव में काफी सफलता मिली है। इसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कुछ कम हुआ है। भारतीय संविधान कहता है कि देश में किसी भी मजदूर का वेतन समय समय पर तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसकी प्रमुख कमियों में से एक है। पहाड़ की वजह से काम कम दिखाया दिया था, हमने पत्थर फोड़ा हुआ तो मट्टी का पैसा देते, हमने पत्थर तोड़ा तो पत्थर की वजह से उनको काम कम दिखा तो इसलिए हमारा पैसा कम आया थोड़ा सा। पत्थर से काम कम दिखता, पत्थर की नपताई नहीं होती है, मट्टी की नपाई होती है, तो इसलिए हमारा थोड़ा कम आया पैसा। फायदा हुआ अपर आप हमारी रेट 200 की कर दे तो आपके लिए बहुत धन्यवाद है। इस योजना की एक और खामी ये है कि इसमें सिर्फ 100 दिनों के रोजगार की बात की गई है। यदि इसे पूरा कर भी लिया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार अब तक कहती रही है, तो बाकी के 265 दिनों का क्या? क्या 100 दिनों के कमाए हुए रुपए उन्हें पूरे होंगे? किसी भी योजना की सफलता उसके सही इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। बातचीत करने पर हमें ये पता चला कि इस योजना के नियमित काम आने वाली बेसिक चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन की कमी है। इसी के साथ साथ लोगों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना नहीं मिलता और कई बार मेहनताना काफ़ी देरी से मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैसा आपके थोड़ी सी लेट हो गई है, त्यौहार आ गया राखी बंधन का तो 2-15 का पैसा रुक गया है, 2-15 का पैसा रुक गया हमारे आपके ऊपर से रुका हुआ। आज हमारा बच्चे थोड़ी मुसीबत आ गई त्यौहार की। वैसे तो इस योजना के अंदर गांव के विकास से जुड़े कई काम होने चाहिए, लेकिन इस योजना के अंदर काम करने वाले लोग ज्यादातर समय गड्ढे खोदते हुए ही नजर आते हैं। देख कर ऐसा लगता है जैसे प्रोजेक्ट या काम ना होने के कारण फॉर्मेलिटी के लिए ही गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। साथ ही इसकी अन्य कमियों को दूर कर लिया जाए तो यह योजना गांवों के विकास में और अधिक मददगार साबित होगी, किंतु ऐसा करने के लिए इसका सही इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है।